हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं DMDF एनर्जी को लेकर चैनलिंग करने देखिए फ्रेंड्स, अभी जो DMDF एनर्जी है उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर में अभी कह सकते हो या फिर जिस एनर्जी में सभी लोग अभी मतलब वर्क कर रहे हैं या वर्किंग है, वो सारी चीज़ है। ठीक है, तो देखिए DM एनर्जी जो है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पावर में, मीन ऐसा कह सकते हो कि जो DF है वो अभी DM एनर्जी में ही वर्क कर रही है, राइट। और जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं उनकी एनर्जी जो है इस वक्त थोड़ी चेंज हो रखी है। इस वक्त DF एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं और DM एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइंस हैं। इन दोनों की एनर्जी अभी स्विच हो रखी है। अब इसका रीज़न सुनिए फ्रेंड्स, रीज़न ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी पोर्टल्स आते हैं वो हमको काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, काफ़ी कुछ नया दे करके जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स, अबेंडेंस, वो सारी चीज़ें हमारे मतलब हक में काम करती हैं इसमें। ठीक है, और जब डिवाइनर इंटरवेंशन चल रहा हो तब तो और भी चीज़ें मतलब बहुत हाईली एक्टिव होकर के वर्क करने लगती हैं, स्पीड बढ़ जाती है हमारी जर्नी की, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, बहुत सारे चेंजेस हम खुद में देखते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस में हम लोग देखते हैं, वो चीज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अगर कुल मिलाकर कही जाए तो वो अभी इस वक्त स्विच हो रखी है, वो एक दूसरे की एनर्जी में वर्क कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हर पोर्टल में कहीं ना कहीं कुछ डेज के लिए ये एनर्जी ज़रूर से आती है, राइट। और ये हम पिछले कई पोर्टल्स में देखते चले आ रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, इस तरीके की स्विच एनर्जी, ये ज़रूर से या तो मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में देखने को ज़रूर से मिलती है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन वैसे तो पूर्णतः सेम होते हैं, ठीक है, एक जैसी एनर्जी होती है उनकी और सेम एनर्जी होती है, मतलब वो एक दूसरे की एनर्जी में होते हैं। उनको हमेशा से ये रहता है कि मेरा कोई मतलब जैसे मेरी ही कोई सोल का पार्ट या फिर मेरा ही कोई हिस्सा कहीं खोया हुआ है, इस तरीके की। और यही सेम डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ होता है, बट उनको ये नहीं पता होता कि सोल का पार्ट खोया हुआ है। डिवाइन फेमिनाइन को तो एक मतलब टाइम के बाद आफ्टर अवेकनिंग ये चीज़ पता चल जाती है, बट डिवाइन मैस्कुलाइंस को ये चीज़ पता नहीं चलती। तो बट उनको ये रहता है कि कुछ खोया हुआ है, जैसे मतलब लाइफ में कुछ मिसिंग है वो चीज़, तो वो ना सरफेस पे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं इस वक्त। मतलब जैसे डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो 5D में मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, साथ में 3D में भी मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, बट वो 5D में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, हर वक्त उनकी एनर्जी जो है 5D से कनेक्ट रहती है, वो 3D के लोगों से उस तरीके से नहीं जुड़ पाती हैं आफ्टर अवेकनिंग जिस तरीके से कभी वो पहले जुड़ जाती थी। ठीक है, अपने कार्मिक से उस तरीके से नहीं जुड़ पाती है या सोलमेट्स से इस तरीके से, या फ्रेंड्स मतलब जो भी कलीग्स फ्रेंड्स जो भी लोग होते हैं उन लोगों से उस तरीके से जुड़ नहीं पाती है। तो वहाँ पे वो चीज़ हमें दिखेगी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो सरफेस पे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो 5D में मैनिफेस्ट कर रही होती हैं। तो ये जो इस वक्त चीज़ है ये यही चल रही है कि आपको ये भी एहसास कराया जा रहा है, क्योंकि कई बार डिवाइन फेमिनाइंस को ये लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी कुछ नहीं करती, बस गलतियों पे गलतियां करती रहती है कि कभी ब्लॉक करना, कभी इग्नोर करना, कभी कुछ, और हमेशा अपने कार्मिक्स और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहना ये चीज़। और सेम यही कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइंस को भी लगता है कि जो अर्थ फेमिनाइंस हैं उन्हीं की तरह है ये फेमिनाइन एनर्जी भी, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि DM एनर्जी अवेकन हो जाती है, बट कहीं ना कहीं उसमें DF एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मैस्कुलाइन एनर्जी में DF एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो DF एनर्जी उनके भीतर अवेकनिंग होती है मेल बॉडी में। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है सिचुएशंस, क्योंकि ये अर्थ है, यहाँ के अपने रूल हैं, यहाँ चीज़ें फिज़िकली वर्क करती हैं। ठीक है,
साइंटिफिकली भी यहाँ पे चीज़ें हैं, बॉडी का लेवल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई। लेकिन जब सोल की बात हम करते हैं तो वहाँ पे वो सब चीज़ें बहुत अलग हैं, ठीक है। चक्रास से चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, मेडिटेशन से वर्क होता है, वाइब्रेशंस वर्क करती हैं, ठीक है। कभी हमने अवेकनिंग से पहले अपनी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन और इतनी हाई एनर्जी फील नहीं की होती जितनी आफ्टर अवेकनिंग हम खुद पे काम करते हैं, तब वो हम 24 आवर्स फील करते हैं। वो चीज़ भी है यहाँ पे। तो ये जो अगस्त के एंड की एनर्जी है, ये जो लियो पोर्टल है, वो आपको क्या क्या दिखे जाने वाला है इस वक्त। आपकी एक तो मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इस बीच में आप कई बार चीज़ें देखते होंगे कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो, इवन आप छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप कुछ खाने की सोच रहे हो और आप देखोगे अचानक से वही घर में बन रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको अचानक से, मतलब एक क्या बोल सकते हैं आप, हाँ, जादू की तरह, मतलब एक मैजिक की तरह फील होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है आपके साथ, मिरेकल जैसी एनर्जी रहेगी। साथ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी समय से, जिस पे अपना ध्यान भी लगा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको बोला जाता है कि DF और DM एनर्जी पे कभी मैनिफेस्टेशन मत करना। और ये रियलिटी है फ्रेंड्स, कभी मैनिफेस्टेशन नहीं लगाना चाहिए इस पे। आप टेलीपैथी कीजिए पिक के द्वारा, या किसी भी तरीके से आप जैसे टेलीपैथी कनेक्ट करते हो मेडिटेशन टाइम में या हीलिंग टाइम में, जब भी तो टेलीपैथी कीजिए, बट मैनिफेस्टेशन कभी मत लगाइए अपनी जर्नी में, याद रखिएगा ये चीज़। अदरवाइज़ ये सिचुएशन तक खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो जर्नी होती है वो डिवाइनल होती है, राइट। यहाँ ये जर्नी जो है पेशेंस की जर्नी है, जिसमें जितना ज़्यादा पेशेंस होगा जर्नी उतनी अच्छी रहेगी और उतनी जल्दी कम्प्लीट होगी। तो आप अगर सोचें कि एकदम इम्पेशेंस होके कि बस नहीं अब तो चीज़ें जल्दी जल्दी हों, तो वो चीज़ें संभव नहीं है यहाँ पे। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैनिफेस्टेशन एक तो अपनी जर्नी पे नहीं लगाना, मैनिफेस्ट करना है तो उन चीज़ों को करना है जिन चीज़ों की कमी है आपकी लाइफ में। 3D पे सर्वाइव करने के लिए आपको लगता है कि आप 3D में सर्वाइव जब ही कर सकते हो, लाइक हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई फाइनेंशियली हेल्प आपकी हो सकती है, या कुछ भी चीज़ इस तरीके की जो आपको फिजिकल प्लान पे, इस तरीके से जो अर्थ प्लान है इस पे सर्वाइव करने में हेल्प करे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन लगाना है तो इन चीज़ों पे लगाइए अपने, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के द्वारा हम अपनी सारे बिलीव्स, ट्रस्ट, सारा कुछ, मतलब जो भी हमारा पॉजिटिव एनर्जी हमने कलेक्ट किए, वो सारा कुछ हम लगाते हैं। जैसे हम एक जब प्रोटेक्शन बबल का निर्माण करते हैं, तब ये चीज़ करते हैं कि हम अपनी सारी एनर्जी लगाने के बाद उस प्रोटेक्शन बबल को तैयार करते हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट भी ना हो और वो कामयाब भी रहे, वो काम भी करे। तो मैनिफेस्टेशन इस उस तरह लगाइए या उस डायरेक्शन में लगाइए जहाँ पे वो वर्क करे इजीली, उसको टाइम मिल सके। क्योंकि आप अपनी जर्नी पे अगर ये लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये अभी DFs की जो एनर्जी है अभी आ रही है, इस तरीके की कलेक्टिव एनर्जी है ये, मैं आपको बताना चाहूँगी। इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस ये गलती कर रही हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस, मैं सभी डिवाइन फेमिनाइंस की बात नहीं करूँगी, जिनके साथ रेजोनेट हो मुझे बताइएगा। ये डिवाइन फेमिनाइंस इस वक्त, क्योंकि एलो को लेकर के बहुत सारी नॉलेजेस स्प्रेड हुई हैं इस वक्त, जो ज़रूरी भी थी, क्योंकि लोगों को उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, ठीक है। वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से चेंज कर सकते हैं, तो पर उनको इस चीज़ को लेके अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। उनको एलो जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, वो जो रूल है, वो अपनी लाइफ पे नहीं लगाना होता, वो अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है उस पर लगाना होता है। अब कमी में आप ये भी कह सकते हो कि हमारी लाइफ में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन, हमारे ट्विन की कमी है, अदरवाइज़ हमारी लाइफ और अच्छी हो सकती है, तो वो अच्छी हो सकती है, बट वो एक डिवाइनल टाइम है। और आप अगर मैनिफेस्टेशन लगाते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बन जाता है कि नहीं, हमने तो मैनिफेस्ट किया था तब भी अभी तक नहीं हुई ये चीज़, और ये और वो, मतलब जर्नी डिले हो रही है, ऐसा हो रहा है, क्या हम ट्विन नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप मतलब इकट्ठे कर लेते हो। तो और आपकी एनर्जी फिर क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी, आपने मैनिफेस्ट की एनर्जी लगाई,
और आपके मन में क्या हुआ आफ्टर कुछ टाइम, आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स और नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन्स आने लगते हैं, वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ आप सोच समझ के कीजिए। मैं सभी डिवाइन फैमिलीज से कहना चाहूँगी। और एक बात, ये जो लियो एनर्जी है वो आपको एक तो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके जा रही है, सबसे बड़ी चीज़ डिवाइन फैमिलीज को ये एहसास करा के जा रही है कि डीएम एनर्जी किस तरीके से यहाँ सर्वाइव करती है, कितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक होके वो अपने काम को करती है, फोकस्ड एनर्जी के साथ अपने काम को करती है। क्योंकि डिवाइन फैमिलीज को हमेशा यही लगता रहता है, बैलेंस डिवाइन फैमिलीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर जो भी डिवाइन फैमिलीज है उनको हमेशा यही लगता रहता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो उनको टाइम नहीं दे रहे, बाकी सबको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये जो लियो एनर्जी है एंड में आपको ये ही सिखा करके जा रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस किन किन चीज़ों को फेस करते हैं, और डिवाइन फेमिनाइंस के जो भी मतलब एहसास हो सकते हो या पेन्स हो सकते हैं वो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस के हक में आ रखे हैं, क्योंकि एनर्जी स्विच चल रही है। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस उतने वर्कोहलिक नहीं हो रहे हैं, बट वो जो चीज़ें हैं मिसिंग और ये वाली सारी चीज़ें अभी इस वक्त उनके हक में आ रही हैं। तो आप यहाँ एक चीज़ देख भी रहे होगे, सभी डिवाइन फैमिलीज को ये कहीं ना कहीं चीज़ें रेजोनेट भी हो रही होंगी, या तो ड्रीम्स में या किसी के से बात करते वक्त मतलब उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस का नाम रिपीट होना, या फिर कहीं नाम बार बार उनका दिखना ये चीज़, या फिर कार्मिक्स जब उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं तब भी नाम उन्हीं का लेकर के ट्रिगर कर रहे हैं, वो चीज़ हो रही है उनके साथ। और डिवाइन मैस्कुलाइंस जब भी मिसिंग एनर्जी में होते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो मतलब इमोशनल वाली एनर्जी में होते हैं, तब आपको भी ये कहीं ना कहीं चीज़ मिरर होगी कि आप मिसिंग एनर्जी में चले जाओगे, आप उनको मिस करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दोगे, उनके बारे में सोचना शुरू कर दोगे कुछ मिनट्स के लिए, बट वापस से आपकी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइंस की ही हो जाती है। वो चीज़ अभी डीएफ्स के साथ हो रही है, ठीक है। और इस वक्त मैंने बताया आपका मैनिफेस्ट जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी में वर्क कर रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया लियो एनर्जी क्या होती है, लियो एनर्जी लॉयन की एनर्जी होती है, और वो कैसी एनर्जी होती है, वो आपकी पावर और आपकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करके जाती है, हाई करके जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब आप जितना लो रहते थे पहले, अब उससे ज़्यादा देखते होंगे कि अब आप किसी भी लो सिचुएशन को देख लो या 3D सिचुएशन को देख लो, आपकी एनर्जी उतना जल्दी ड्रेन नहीं होती है, आप चीज़ों को हैंडल करना आप सीख गए हो, ठीक है। ये चीज़ है, इसीलिए आपने देखा होगा जर्नी में पोर्टल्स रिपीट होते हैं, और ये पोर्टल्स जो जितने भी पोर्टल्स हैं वो लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देते रहेंगे। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए एक वरदान साबित होने वाली चीज़ है, क्योंकि इन पोर्टल्स के चलते आपकी एनर्जी प्योरीफाई होती है पहले से कहीं ज़्यादा। जो आप कल थे वो आज नहीं हो, और जो आज आप हो वो कल नहीं रहोगे, मतलब आपकी एनर्जी दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, वो चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़, डिवाइनल इंटरवेंशन चल रहा है, तो इस वक्त आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, आपके सामने सरप्राइजेस भी आ सकते हैं, लोग आपको गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी जो आपके मन पसंद की हो, जो आपको चाहिए हो, वो सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस वक्त आपके सामने ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको लोग सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, डीएफ्स के सामने ये चीज़ें आ रही हैं अभी, कि लोग अचानक से आपको सरप्राइज या गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी जो आपने कभी सोचा भी ना हो, उस तरीके की चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं, और आप अचानक से शॉक्ड होगे कि ये मेरी लाइफ में होने क्या लग गया है, अब तक तो बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब चल रही थी, क्योंकि आपकी लाइफ एक ट्रैक पकड़ लेती है कि हाँ सब कुछ इसमें अब गलत ही होगा, सब कुछ इसमें नेगेटिव ही होगा। और हम लोग देखें तो हमारी जो डीएफ्स की लाइफ होती है वो कुछ ऐसी ही होती है कि बचपन से उनकी लाइफ नेगेटिव नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव चलती है, बट हमें क्या करना होता है, अवेकनिंग के बाद हम ये चीज़ सीखते हैं और अपने अंदर ये चेंज लाते हैं अपने सेल्फ में आने के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, कि उस नेगेटिविटी से सिर्फ हमें लेसन्स लेने हैं, ना तो वो लोग लेने हैं, ना वो मेमोरीज लेनी है, हमें कुछ नहीं लेना, उन सबको हील करना है, ठीक है। हील करना मीन, हील करने के बाद आपको, आप देखोगे अगर आपकी हीलिंग अच्छी हो रखी होगी,
तो आप टेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को। मैं आपको वो भी बताती हूँ कि किस तरीके से। अगर आपने खुद पर बहुत अच्छे से काम किया होगा, आप डेली टू डेली हीलिंग कर रहे होगे, अपने इश्यूज़ पे काम कर रहे होगे, तो आप देखोगे कि आपके जो पास्ट लाइफ है, मीन इसी बर्थ की जो अवेकनिंग से पहले वाली लाइफ है, मैं उस लाइफ की बात कर रही हूँ अभी, तो वो जो लाइफ है, वो जो मेमोरीज एंड नेगेटिव एनर्जीज से रिलेटेड या नेगेटिव लोगों से रिलेटेड, आपको आपके दिमाग में बस लेसन्स रह गए हैं। आपको ना तो उन लोगों के चेहरे सही से याद रह रहे होंगे अब, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपका सारा फोकस यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी और आपकी जर्नी पे लगा रखा है इस वक्त। तो इस बीच में आपकी जो एक हीलिंग है, जो आपको एक की दी गई है कि जिसके द्वारा, और मेडिटेशन जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी में ला सकते हो, अपने ट्विन की एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी में ला सकते हो और अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हो, वो चीज़। तो जब आपने वो सारी चीज़ें की हैं, तो अब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अचानक अचानक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अचानक अचानक आ रही हैं। लेकिन इस बीच में जो एक खबर है वो ये और है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। आपके साथ ये भी चीज़ हो सकती है कि जो भी आपके कभी रिलेशंस रहे हों, कोई रिलेशनशिप में आप रहे हों पहले, या कुछ भी चीज़ रही हो, वो सामने आपके आ रही होंगी चीज़ें, या कार्मिक्स आपके बिहेवियर्स को लेके रिपीट कर रहे होंगे कुछ चीज़ें कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो ऐसे थे। मतलब आपको बार बार वही एक ही चीज़ को लेके बार बार टॉर्चर करना या सुनाना जो आपको इरिटेट कर रही होगी, वो इरिटेटिंग जो फीलिंग है आपके या तो रिलेशनशिप के किसी पर्सन से आ रही होगी, थर्ड पर्सन से, या आपके कार्मिक से। और वो जो थर्ड पर्सन है, चाहे वो जा चुका होगा, बट वो बीच में आएगा, ठीक है, और वो आपको इरिटेट करके वापस से वो जो लास्ट की कुछ परसेंट एनर्जी बची हुई थी, उसका जो कर्मा बचा हुआ था, वो कंप्लीट करके वापस चला जाएगा। यहाँ पे ये आपके टेस्ट के लिए होगा और कुछ नहीं होगा, कि आप अब वापस से उन लोगों पे बिलीव करते हो, उन लोगों पे ट्रस्ट करते हो, मतलब उन चीज़ों को रिपीट करोगे या अपने पैटर्न्स को प्रॉपरली ब्रेक करना चाहते हो और कर चुके हो, वो चीज़ है। आपको ट्रस्ट है अपनी जर्नी पे, या आप पास्ट लाइफ के जो रिलेशनशिप्स थे जो अब वापस आके आपके सामने आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं, आप उन पे दोबारा ट्रस्ट करोगे, वो चीज़ है। तो यहाँ टेस्ट हैं आपके, ठीक है। और जो भी आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की थी चीज़ें पहले, ठीक है, बिफोर अवेकनिंग, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स ऑलरेडी ब्लेसिंग्स के रूप में भेज चुके हैं, ठीक है, और वो आपकी लाइफ में लिख चुके हैं वो चीज़ें, और आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लाइफ में आप देखोगे घटित होते हुए, आपके साथ वो चीज़ें होते हुए, वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएंगी, ठीक है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इस बीच में, आपको फैमिली लव मिल सकता है इस बीच में, ठीक है, और ये चीज़ आपके ट्विन की एनर्जी की तरफ से होगा, आपकी अपनी फैमिली की तरफ से तो होगा ही होगा। मीन मैंने क्या कहा, कार्मिक्स जो हैं वो आपको ट्रिगर करेंगे बीच में, रिलेशनशिप्स में से कोई भी थर्ड पर्सन आके ट्रिगर करके जाएगा आपको, बट इस बीच में क्या होगा, कार्मिक्स की एनर्जी प्रॉपरली चेंज हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपके कार्मिक्स अभी भी उतना ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, उतना ही सब कुछ कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, आपको अपनी ऑरा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की। क्योंकि जो ट्विन्स की एनर्जी है, जब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उनकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कार्मिक्स की नेगेटिविटी अपने आप समाप्त होने लगती है, वो उनकी केयर करने लग जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आपके कार्मिक, या कलीग्स, या जो भी हो सकते हैं, आप उनके साथ बाहर जाओ तो वो आपको ट्रीट दें, या कुछ भी चीज़ जो वो आपके लिए करना चाहेंगे, जो चीज़ आपने पहले कभी नहीं देखी, आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, ये इतना बड़ा चेंज कैसे, वो चीज़ है। वो चेंज कैसे, वो समझिए, आपने मेहनत की है, खुद पे काम किया है, उससे क्या हुआ, आपकी ऑरा स्ट्रांग हुई, और ऑरा स्ट्रांग जब होती है तो ऑरा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी एनर्जी के बीच में, या फिर आपके ऑरा के अंडर में जितने भी कार्मिक्स या जितने भी पर्सन्स आएंगे, अब उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको उनको हील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो अपने आप से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में आपकी, ये जो मंथ जा रहा है, आज 31st है, और ये आपको
ऑगस्ट पोर्टल 99 पोर्टल आने से पहले 88 पोर्टल आपको ये गिफ्ट्स दे करके जा रहा है, वो आपकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करके जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आप वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, काम में बिजी चल रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, ये है कि कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा हो सकता है बीच बीच में आपको लगे कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मिस कर रहे हैं, बट जो पहले डेस्परेशन एक आप दिखाते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना चेजिंग वाली एनर्जी में रहते थे, या बस नीडीनेस की एनर्जी में रहते थे, वो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो अभी ये जो कुछ टेस्ट हैं आपको, वो ध्यान में रखने हैं। एक तो मैंने बताया कार्मिक्स आपको बीच में ट्रिगर करेंगे, ठीक है, बट वो इस वक्त चेंज हो चुके हैं, ठीक है। उस लेवल, आपके लेवल तक तो नहीं आए, बट वो चेंज हो चुके हैं, उनकी नेगेटिविटी हील हो चुकी है आपकी ऑरा के अंडर में। देन कुछ हद तक आपको रिलेशनशिप्स में, जब आप कहीं रहे होंगे, तो वो चीज़ पे आपको इस बीच में आके ट्रिगर या इरिटेट करेगी, क्योंकि ये जो इरिटेट वाली एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, टीएम एनर्जी में है आप, इस वजह से वो चीज़ हो रही है। अदरवाइज आप क्या हो जाते हैं, आप ड्रेंड हो जाते, लो हो जाते, 3D आपको अट्रैक्ट करने लगता, वो चीज़ आपके साथ होती। बट डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो आप इस वक्त, ठीक है, स्विच हो रखी आपकी एनर्जी, तो इस वक्त क्या है, ये चीज़ आपके साथ वर्क करेगी, वो लोग आएंगे आपको और इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। और अब आप क्या होंगे, अब आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। एक टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, या मुझे जवाब क्यों नहीं दिए गए चीज़ों की, क्योंकि कार्मिक्स पार्टनर्स जो भी होते हैं वो हमेशा आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, एज अ रिलेशनशिप या किसी भी तरीके से, या फ्रेंड्स के ज़रिए, और वो वापस से आपको कोई भी जवाब दे करके नहीं जाते, कोई भी क्लैरिटी दे करके नहीं जाते, वो बीच में ही जाते हैं, उनका यही रीज़न होता है, वो विदाउट एनी रीज़न दिए जाते हैं, वो चीज़ होगी, ठीक है। तो आपके मन के जो भी वहम थे वो यूनिवर्स ने इस बीच में खत्म किए हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जो भी डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस इंटेंस जॉय में है, उनके साथ अभी कुछ चीज़ें हो रही होंगी। एक तो 333, 222, 777, 666, इस ये जो ट्रिपल नंबर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त शो हो रहे हैं। 11, 11 बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, 555, 333 बहुत ज़्यादा, और 222, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है इस वक्त, उनको एंजल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अबेंडेंस और सारी सब चीज़ों के ब्लेसिंग्स वगैरह सबके नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ में होते हुए दिखेंगी चीज़ें, कि आपको जैसे कोई पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको हमेशा पहले बचपन में ऐसा लगता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जैसे एक होता है फैमिली में कि एक बच्चे को हमेशा उसके मदर फादर की तरफ से ऐसा फील होता है कि यस, मेरी बैक स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं कुछ भी करूँगा, अच्छा करूँगा या बुरा करूँगा, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, और वो मुझे कभी डाउन फील नहीं कराएंगे या मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे, वो चीज़ है। बट यहाँ पे आपके साथ कुछ अलग होती रही सिचुएशन, क्योंकि ये डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में आप लोग आते हो, बहुत कम ऐसा होता है, वो उन्हीं के साथ होता है जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते, डिवाइन मतलब जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है अर्थ की, और वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आफ्टर अवेकनिंग। जैसे बहुत सारे भाई लोग होंगे जो अभी डीएफ एनर्जी में होंगे, तो उनकी एनर्जी की बात करें तो उन लोगों की फैमिली जो है ना, हो सकती है कि वो उनकी फैमिली सपोर्टिव हो, मैं रेयर केसेस बता रही हूँ इस तरीके के। बट डीएफ की एनर्जी अगर फीमेल बॉडी में, तो उनकी जो फैमिली रही होगी वो सपोर्टिव नहीं रहती है बहुत सारी चीज़ों में, वो चीज़ रही थी, ठीक है। तो इंटेंस जो फैमिली में जो भी लोग हैं उनके, उनको भी सबसे ज़्यादा एक तो ट्रिपल नंबर्स 11, 11, साथ ही 91, 96, 69, कभी कभी तो 6996 6919 7-7, इस तरीके की एनर्जी इस वक्त उनको दिखने वाली है। क्योंकि जो 19 है और 91 है, ये एक न्यू बिगनिंग के साइन होते हैं, कि 19 मीन एक नई लाइफ शुरू हो रही है 1 से 9 तक, ये नंबर एक संकेत देता है हमें इस चीज़ का। वहीं 91 से भी हम यही देखते हैं कि हम एक अपनी पास्ट लाइफ ख़त्म करके, कार्मिक बैगेज ख़त्म करके, अब 9 से 1 में एंट्री कर रहे हैं, मतलब 1 से 1 9 वाली एनर्जी फिर से शुरू होगी, मतलब एक जर्नी फिर से शुरू होगी। वो जो 9 के पीछे 1 है वो हमें ये संकेत देता है कि हमारी एक और जर्नी अब शुरू होनी है, ठीक है। जिन चीज़ों के पीछे हम रन करते थे
उन चीज़ों को हमने अब छोड़ दिया है, और हमने चीज़ों को लोगों के पीछे भागना, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया। अब हमारी लाइफ में यूनिवर्स हैं, ठीक है, हमने चीज़ों को सरेंडर कर रखा है, हमारी लाइफ में हम चेंजेस देखना चाहते हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगस्त जा रहा है, 9-9 पोर्टल आ रहा है, तो उम्मीद है आप सब ने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लेसिंग्स, मैजिक, सरप्राइजेस अपनी लाइफ में देखे होंगे। हो सकता है कि आपको ऐसे भी लोग मिले अपनी लाइफ में जो आपको कभी लगता हो कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और जिनके आपके पास जवाब नहीं है और कोई आपको जवाब देने वाला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी मतलब आपको उन सब चीज़ों के जवाब अचानक से देना शुरू कर दे, वो भी एक यूनिवर्स का मैसेज ही होता है आपके लिए कि इनडायरेक्टली, क्योंकि हर जगह ईश्वर है, हर जगह। तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है वो किसी को भी जरिया बना करके चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुख्यतः करते ईश्वर ही हैं चीज़ें। बस वही है कि जरिया किसी को भी बना लिया जाता है इस बीच में, तो वही चीज़ है। और फ्रेंड्स, सोल पर्पस पे ही मुझे बात करनी है, कुछ टाइम में जल्दी वीडियो आने वाला है उस पर भी, तो मैं उस पर आपको जिस तरीके से समझाऊँगी, तो आप लोग अभी फ़िलहाल तो मेरे बारे में ही देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर रही हूँ, या सोल मिशन को मतलब कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, एक छोटी सी कोशिश, ठीक है, जितना भी मुझे समय मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी होती हैं। एक तो स्पिरिचुअल ईगो कभी नहीं आने चाहिए आपकी लाइफ में, ईगो से हमेशा बच के रहना। बस अगर इस अर्थ पे सर्वाइव करना चाहते हो और मोक्ष तक जाना चाहते हो तो ईगो से बच के रहना, क्योंकि अगर आप ईगो में आए तो डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो और भी ज़्यादा ईगो में मतलब बिलीव करते हैं, वो ईगो में ही रहना पसंद करते हैं। तो आप में अगर ईगो बढ़ा तो ईगो उनमें भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उनका ईगो बैलेंस रहे, क्योंकि वो तो ईगो से ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो मैस्कुलाइन एनर्जी। तो आपको अपने ईगो पे काम इतना कर लेना है, अपने इस इशू पे इतना काम कर लेना है, क्योंकि डीएफ ईगो से अगर काम करने लग गई तो वो डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे फिर वो क्या है, वो डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ बैलेंस नहीं हो पाती है एनर्जी, ठीक है। आपके साथ यही है डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन में किसी में कोई एनर्जी ज़्यादा है, किसी में कोई एनर्जी ज़्यादा है, बस ये चीज़ है। तो जो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस रखिए, हैप्पी रहिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। ये थी डी एम डी एफ एनर्जी, और ये कलेक्टिव एनर्जी थी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आजकल मैं कलेक्टिव एनर्जी पे ही वीडियोस ला रही हूँ, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। रेजोनेट होंगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और अगर रेजोनेट ना हो तो कोई बात नहीं, किसी के साथ कुछ चीज़ें आगे होती हैं, किसी के साथ कुछ चीज़ें देर से होती हैं, बस ये चीज़ें हैं। अभी अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में वो चीज़ें आप देखोगे, ठीक है, सरफेस पे होते हुए, क्योंकि वो ज़रूर से होंगी। ये कलेक्टिव एनर्जी है जिसका प्रभाव ज़रूर से सभी ट्विन फ्लेम्स पे देखने को मिलता है, वो चीज़ है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए आप लोग, मिलते हैं।